वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम फॉर सोल्यूशन इन बाइनफॉर्मेटिक्स फाइलोजेनेटिक एनालिसिस अब जब ये फाइलोजेनेटिक एनालिसिस की हम बात करते हैं तो इसमें हमें सबसे पहले यह होता है कि फाइलोजेनेटिक ट्री को कंस्ट्रक्ट किया जाए वंस दैट ट्री इज कंस्ट्रक्टेड वी शुड नो वट आर द लेंथस ऑफ डिफरेंट ब्रांचेज इन दैट ट्री देन वट इज़ द रूट नोट वट इज़ द लीफ नोट फिर क्या आया उस ट्री की रूट है भी या नहीं कि इस दिशा रूटी ट्री और अनरूटी ट्री अब ये सब इंफॉर्मेशन जो है यूजिंग सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर हम फाइंड आउट करना चाहें तो मैट लैब इज अ वन बेस्ट सूटेड कैंडिडेट वो कैसे कि मैट लैब की बाई इन्फॉर्मेटिक्स टूल किट में इन मैथड्स हैं विच हेल्पस टू अंडरस्टैंड और विच हेल्पस टू क्रिएट फैलोजेनेटिक ट्री अंडरस्टैंड फैलोजेनेटिक ट्री एंड शो आउटपुट टू द यूजर इन द फॉर्म ऑफ फैलोजेनेटिक ट्री अब वो कौन सी कमांड्स हैं जो हम यूज करते हैं और वो क्या फॉर्मेट्स हैं फॉर एग्जाम्पल इफ यू वॉन्ट टू रीड अ फाइलोजेनेटिक ट्री द सिंपल कमांड इज फाइव ट्री रीड यानी फाइलोजेनेटिक ट्री रीड देन इफ यू वॉन्ट टू राइट इट इज फाइव ट्री राइट अब जब ये कमांड्स हम मेट uh, लैब की वर्क स्पेस में लिखते हैं तो अगर हमारे पास कोई डाटा ऐसा अवेलेबल है जो मैट्रिक्स की फॉर्म में है तो वो सिंपल हमें रीड करके बताएगा कि क्या ये फाइलोजेनेटिक ट्री है या वो राइट कर देगा इस फाइलोजेनेटिक ट्री को इन द फॉर्म ऑफ फाइव ट्री मेथड्स इसी तरह अगर हम ट्री के ऑब्जेक्ट्स को रीड करना चाहते हैं कि विच ऑब्जेक्ट्स आर पार्ट्स ऑफ फैलोजेनेट ट्री देन वी विल राइट फाइव ट्री सो फाइव इज फॉर फैलोजेनेटिक्स और ट्रीज फॉर ट्री नाउ हाउ टू क्रिएट ट्रीज कौन कौन से उसमें हैं वन थिंग इज जब भी हम फाइलोजेट्री की बात करते हैं तो हम फोकस करते हैं वट इज द डिस्टेंस बिटवीन डिफरेंट नोड्स फॉर दैट थिंग वी हैव अ मैथड कॉल्ड सीक्वेंस पी डी पी डिस्टेंस सो सीक्वेंस ऑफ फाइलोजेनेटिक्स ट्री डिस्टेंस के जो डिस्टेंस है बिटवीन सिक्वेंस वो कितना है वाइल्ड कन्वर्टिंग और वाइल क्रिएटिंग अ फाइलोजेनेटिक ट्री सिमिलरली एस्टिमेट दब्स्टिट्यूशन रेट कि जो हमारे पास ट्रीज हैं या जो नोड्स हैं उनमें सब्सटीट्यूशन का क्या रेट है यानी कि अगर हमारे पास एक करंट लीफ नोड है और एक ट्री है का नोड रूट है इनमें क्या सब्सटीट्यूशन है कि कौन सी जगह किस जगह पर सब्सटीट्यूट हो रही है जैसे हमने डिफरेंट मेथड देखे थे जैसे हमारे पास कंटर और जूस का मैथड था वो कौन से मेथड हैं वो यूज़ होंगे और कमांड उसके लिए हमारे पास क्या हैं डी एन डी एस की है डी एन डी एस एम एल की है यानी कि मशीन लर्निंग के थ्रू हो रही है कैसे हो रही है मलिकुलर एवोल्यूशन हो रही है या सब्सिट्यूशन हो रही है इन इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए फेलोजेनेट ट्री को कंस्ट्रक्ट करते हैं सिमिलरली वी हैव अ बिल्डिंग ऑफ फेलोजेनेट्री फ्रॉम पेयर वाइज डिस्टेंस यूजिंग सीक्वेंस लिंक्वेज सीक्वेंस नेबरहुड या री रूट अब ये हमारे वो मेथड हैं जो हमें हेल्प करते हैं फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ फेलोजेनेटिक ट्रीज दैन हाउ वी रिव्यू दिस फाइलो जेनर ट्री अब हमारा देखें फायलो जेनर ट्री जो है क्योंकि एक ग्राफिकल फॉर्मेट है इसलिए इसका बेहतर है कि ट्री ऐसा हो जो ग्राफिकली बना हुआ नजर आए उसके लिए जो हमारे पास कमांड्स हैं दैट इज़ फाई ट्री टूल और व्यू फाई ट्री टूल क्या करता है हमें ये दिखाता है कि जो हमने ट्री बिल्ड किया है वो ग्राफिकल है या टेक्सचुअल फॉर्मेट में है बिकॉज वी वांट कि हमारा जो ट्री बने वो ग्राफिकल फॉर्मेट में हो सो दैट वी कैन सी वट इज़ द रूट वट आर द लीफ नोट वट आर द इंटरनल नोट्स और ये सब कैपेबलिटीज़ हमें मेटल प्रोवाइड करता है द अदर थिंगज़ अगर हम ये जी यू आई बना लें जी यू आई से मुराद ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है जो हमारा फाइलोजन ट्री एक ग्राफिकल फॉर्मेट में है अगले स्टेप्स क्या हैं इट विल हेल्पअस इन द प्रूनिंग ऑफ ब्रांचेस रीऑर्डरिंग ऑफ ब्रांचेस रीनेमिंग एंड एक्सप्लोरिंग डिस्टेंस बिटवीन डिफरेंट नोट्स यानी कि जी यू आई जो हमारा बना उसके ऊपर मल्टीपल फंक्शन हम परफॉर्म कर सकते हैं आफ्टर द कंस्ट्रक्शन ऑफ जी यू आई बेस्ड ट्री तो वी कंक्लूड हेयर कि हमारा जो बायफॉमेटिक्स टूल बॉक्स है इन मेटल इट हेल्प अस टू क्रिएट द फैलोजनिट्रीज देन फाइंडिंग डिस्टेंसिस बिटवीन दीज फेलोजरीज फाइंडिंग रूट एंड लीफ नोड्स ऑफ द ट्री और फैलोजेनेटिक्स के जितने भी ऑपरेशन अवेलेबल हैं एल्ग्रदम्स अवेलेबल हैं उन सब की फ्री इम्प्लीमेंटेशन अवेलेबल है मीन्स कि हम सिर्फ अपना डाटा इनपुट करें और फिर ये देखें कि हमारा ट्रीज किस फॉर्मेट्स में डेवलप होंगे